हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम क्लास टेंथ का लेसन नंबर 10 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन हमारी अर्थव्यवस्था के और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक को लेते हैं, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। पहले इस पार्ट का जो नामकरण है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले शब्द क्या दिया हुआ है? खनिज। और खनिज की परिभाषा आपने पहले भी पढ़ी है छोटी क्लासों में। इसकी सीधी सी परिभाषा है, जमीन को खोदकर खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को जमीन को खोदकर खनिजों को बाहर निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। जमीन से जो भी हम पदार्थ निकालते हैं, चाहे वो शुद्ध रूप में हो चाहे अशुद्ध रूप में हो, वो क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। तो याद रखना बच्चों, नॉर्मल सी परिभाषा है खनिज की, ठीक है बच्चों। फिर ऊर्जा, सबसे पहले ऊर्जा किसे कहते हैं? तो आपने 10th क्लास में पढ़ोगे भी साइंस के अंदर, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का मात्रक बच्चों क्या है? जूल है। क्या है? ऊर्जा का मात्रक जूल है। फिर हमारा जो बिंदु क्या है? ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन, तो इसका सीधा सा परिभाषा है, ऐसे एक खनिज जिससे ऊर्जा व उष्मा की प्राप्ति होती है। ऊर्जा और उष्मा की प्राप्ति होती है उस खनिज का उपयोग मानव के लिए अति आवश्यक होता है, या मानव की, या आप सीधा लिख सकते हैं, मानव की आवश्यकता की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं, की पूर्ति करते, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो उसे हम क्या लेंगे? ऊर्जा संसाधन। ऐसे खनिज जिससे ऊर्जा और उष्मा की प्राप्ति होती है और उस खनिज का उपयोग मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, तो उसका क्या कहते हैं? ऊर्जा संसाधन। तो आपको सीधी सी परिभाषा याद रखना है, ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं? तो ऊर्जा खनिज की परिभाषा आप क्या लिखोगे? सीधी सी परिभाषा, ऊर्जा खनिज। तो ऊर्जा खनिज की जो परिभाषा है, याद शुरू करोगे, ऐसे खनिज जिसमें ऊर्जा और उष्मा की प्राप्ति होती है उसी को हम ऊर्जा खनिज कहते हैं। और जो ऊर्जा खनिज है उसका उपयोग से हमारे मानव की आवश्यकता की क्या होती है? पूर्ति होती है, उसे ऊर्जा संसाधन कहते हैं। क्योंकि आपने संसाधन की परिभाषा पढ़ी है छोटी क्लासों के अंदर, 8th क्लास के अंदर भी पढ़ी है कि संसाधन क्या होते हैं। उसकी सीधी परिभाषा थी, वे सभी पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करता है उसी को हम क्या कहते हैं? संसाधन। वे सभी पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करता है वो क्या कहलाते हैं बच्चों? संसाधन कहलाते हैं। जैसे आप एक स्टूडेंट हो,
और स्टूडेंट के लिए पेंसिल है, कॉपी है और विभिन्न प्रकार के और ऐसे सामान हैं जो शिक्षा के लिए अति आवश्यक होते हैं। यदि वो नहीं मिलते हैं तो आप अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, और जब उनकी प्राप्ति हो जाती है तो आप अच्छी तरह से शिक्षा को क्या कर लेते हो, ग्रहण कर लेते हो, जिससे आपकी शिक्षा की जो आवश्यकता थी वो पूर्ति हो गई। तो वो बुक्स है, पेन है, ज्योमेट्री बॉक्स है, वो आपके लिए क्या बन गए, शिक्षा के संसाधन बन गए। वो मिले तो आपकी शिक्षा अच्छी हुई, नहीं तो आपकी शिक्षा में बहुत सारी समस्या उत्पन्न होने लग जाती है। अब हम लेते हैं नया टॉपिक जिसे हम कहते हैं खनिज संसाधन। यदि आपसे परिभाषा पूछ ले खनिज संसाधन क्या है, तो इसकी सीधी सी परिभाषा है, खनिज से तात्पर्य भूमि से खनन क्रिया के द्वारा निकाले गए रासायनिक तथा भौतिक गुण के पदार्थ होते हैं। याद रखना बच्चों, बहुत ही सिंपल परिभाषा है कि खनिज से तात्पर्य मतलब पहले हमने खनिज की परिभाषा ली है और फिर इसके साथ क्या जोड़ा है, संसाधन। तो खनिज से तात्पर्य भूमि से खनन क्रिया, भूमि से जो हम खनन क्रिया करते हैं और खनन क्रिया के द्वारा निकाले गए जो रासायनिक तथा भौतिक गुण के जो पदार्थ होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जो मानव की आवश्यकता की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। जो मनुष्य की आवश्यकता के लिए या मनुष्य के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं या मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं वो क्या कहलाते हैं, खनिज संसाधन। तो आपको बच्चों खनिज संसाधन की परिभाषा समझ में आ गई होगी। एक शब्द आया बच्चों यहाँ पर खनन, क्या है खनन, आपसे पूछ ले खनन क्या है, खनन क्या है, तो खनन की और खनिज की परिभाषा में थोड़ा सा ही अंतर है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो सीधी सी परिभाषा है, जमीन को खोदकर, जमीन को खोदकर खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, खनन। जमीन को खोदकर खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है, और जमीन को खोदकर निकाले गए रासायनिक और भौतिक गुण के जो पदार्थ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो थोड़ा ही अंतर है। अब हम पढ़ते हैं अगला बिंदु, भारत में खनिजों को भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। अब हम देखेंगे भारत के अंदर भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है, उसकी विशेषता उनके बारे में जानेंगे। तो पहला जो प्रकार है वो है धात्विक खनिज, और दूसरा जो प्रकार है वो अधात्विक खनिज है। तो भारत के अंदर जो भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर खनिजों कितने भागों में बांटा, दो, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। यदि आपसे बच्चों पूछ ले धात्विक खनिज किसे कहते हैं और अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, तो इसकी जो परिभाषाएं हैं काफी बार बोर्ड के अंदर पूछी भी गई है और फ्यूचर में पूछी भी जा सकती है। तो पहले हम लेते हैं धात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज की जो परिभाषा है बहुत ही सिंपल है, ऐसे खनिज जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं, ऐसे खनिज जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं उसी को हम धात्विक खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, धात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज के उदाहरण कौन कौन से हैं वो अपन लेंगे, लोह खनिज और अलोह खनिज। क्या लेंगे, लोह खनिज और अलोह खनिज। फिर हम पढ़ेंगे अधात्विक खनिज। अब अधात्विक खनिज की परिभाषा क्या है वो देख लेते हैं, अधात्विक खनिज, इसकी भी एक नॉर्मल सी परिभाषा बच्चों को, बड़ी परिभाषा नहीं है, ऐसे खनिज जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं, धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं, और अधात्विक खनिज जिसमें धातु के अंश नहीं पाए।
फिर हम लेते हैं धात्विक खनिज के प्रकार। किसके प्रकार लेते हैं? धात्विक खनिज के प्रकार। और धात्विक खनिज के तो भाग हैं या प्रकार हैं वो दो भागों में बांटे गए हैं, एक लोह धातु प्रधान और एक अलोह धातु प्रधान, एक लोह धातु प्रधान और एक अलोह धातु प्रधान। अब इसकी भी यदि परिभाषा पूछी जाए तो इसकी परिभाषा क्या है, तो अब लिखते हैं। पहला है लोह धातु प्रधान खनिज, लोह धातु प्रधान, ठीक है। तो इसमें सीधी सी परिभाषा, ऐसे खनिज, ऐसे खनिज जिसमें जिसमें लोह धातु, लोह धातु के अंश पाए जाते हैं उसे लोह धातु प्रधान खनिज कहते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए बच्चों, ऐसे खनिज जिसमें लोह धातु के अंश पाए जाते हैं उसे अलोह धातु खनिज कहा जाता है, और सॉरी लोह धातु खनिज कहा जाता है। अब लोह धातु खनिज के उदाहरण कौन कौन से हैं? लोह अयस्क है, क्रोमाइट है, पाइराइट है, टंगस्टन है, कोबाल्ट है। कौन कौन से हैं? लोह अयस्क है, क्रोमाइट है, पाइराइट है, टंगस्टन और कोबाल्ट है। ये लोह धातु प्रधान खनिज के उदाहरण है। अब आपसे पूछ ले, एक शब्द आया है यहां पर अयस्क, ठीक है, ये क्या होता है, परिभाषा पूछ ले। तो याद रखना बच्चों, जमीन से खोदकर, जमीन से खोदकर निकाले गए अशुद्ध खनिज पदार्थ, अशुद्ध खनिज पदार्थ अयस्क कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। तो याद रखना बच्चों, जमीन से खोदकर निकाले गए अशुद्ध खनिज पदार्थ क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। जो लोह धातु पदार्थ, ऐसे खनिज जिसमें लोह धातु के अंश पाए जाते हैं उसे लोह धातु प्रधान खनिज कहा जाता है, जिसमें लोह अयस्क है, क्रोमाइट है, पाइराइट है और टंगस्टन और कोबाल्ट उदाहरण। फिर अपन पढ़ते हैं अलोह धातु प्रधान, ठीक है, अलोह धातु प्रधान, ठीक है। तो अलोह धातु प्रधान में सबसे पहले लिखते हैं परिभाषा, अलोह धातु प्रधान खनिज, ठीक है। तो इसमें सीधी सी परिभाषा है, ऐसे खनिज जिसमें लोह धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं उसे अलोह धातु प्रधान खनिज कहा जाता है। वापस सुन लेना बच्चों, अलोह धातु प्रधान खनिज की परिभाषा, ऐसे खनिज जिसमें लोह धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं उसे अलोह धातु कहते हैं, जिसमें पाए जाते हैं उसे लोह धातु प्रधान कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, अब अलोह धातु प्रधान के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, जस्ता है, ऑक्साइड है और टीन है। ये सब के सब बच्चों कौन से उदाहरण हुए? अलोह धातु के उदाहरण हुए। अब हम बच्चों थोड़ा सा इनके खनिजों के बारे में देख लेते हैं। लोह अयस्क है, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा लोह अयस्क का जो उत्पादन है बच्चों वो रूस करता है। कौन करता है? रूस करता है, विश्व में सबसे ज्यादा लोह अयस्क का उत्पादन, याद रखना। फिर अपन के जो टंगस्टन है वो अपन के ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है बच्चों, और कोबाल्ट है जो कनाडा में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है बच्चों। फिर हम लेते हैं सोना, सोना की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा सोना दक्षिणी अफ्रीका में निकलता है, और दक्षिण अफ्रीका की कौन सी खान? जोहान्सबर्ग की जो खान है वहां पर सबसे ज्यादा सोने का क्या होता है? उत्पादन होता है। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा सोना जो है वो कर्नाटक राज्य की जो कोलार की खान है, कर्नाटक राज्य की जो कोलार की खान है वहां सबसे ज्यादा सोना का क्या होता है? उत्पादन होता है।
फिर अपन की चांदी की बात करें तो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन करने वाला जो देश है वो उत्तरी अमेरिका का मेक्सिको देश है। उत्तरी अमेरिका का कौन सा है? मेक्सिको जो देश है वहां पर विश्व की सबसे ज्यादा क्या होती है? चांदी का उत्पादन होता है। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा चांदी का जो उत्पादन है वो राजस्थान में किया जाता है। फिर तांबा की बात करें तो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो तांबा का जो उत्पादन है वो चिली के अंदर किया जाता है। कहां पर किया जाता है? चिली देश के अंदर किया जाता है। और ये चिली देश है बच्चों वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर आया हुआ है। कहां आया हुआ है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर आया हुआ है। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो तांबे का जो उत्पादन करता है वो झारखंड राज्य है। कौन है? झारखंड राज्य। देखो चांदी का कौन सा हुआ? मेक्सिको, ठीक है। और भारत के अंदर राजस्थान हुआ, याद रखना। और तांबे का विश्व के अंदर कौन सा हुआ? चिली। और भारत के अंदर कौन सा है? झारखंड। भारत के अंदर कौन सा है? झारखंड। और राजस्थान के अंदर देखते हैं तो झुंझुनू जो जिला है वो सबसे ज्यादा तांबे का राजस्थान में उत्पादन करता है। फिर अपन क्या बॉक्साइट है वो ऑस्ट्रेलिया विश्व के अंदर सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है, याद रखना बच्चों। और भारत के अंदर जो देखा जाए तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र झारखंड है, इसके अंदर उत्पादन किया जाता है। अब हम लेते हैं अधातु खनिज के ऊर्जा खनिज। अधातु का कौन सा खनिज? ऊर्जा खनिज, उसकी परिभाषा पढ़ते हैं और फिर उनके प्रकारों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। आपने देखा बच्चों ऊर्जा हमारे जीवन के एक अभिन्न अंग है। यदि हम अपनी बात करें तो हम जो बोल रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं या कोई भी प्रकार का वार्तालाप या आर्थिक क्रियाएं करते हैं उसका कारण ही ऊर्जा है। अब हम लिखते हैं ऊर्जा खनिज। तो ऊर्जा खनिज की जो परिभाषा है बहुत ही सिंपल है। ऐसे खनिज जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा की प्राप्ति होती है उसी को हम ऊर्जा खनिज कहते हैं, याद रखना बच्चों। ऐसे खनिज जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा की प्राप्ति होती है उसे ऊर्जा खनिज कहते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया, एक ईंधन खनिज और एक अणु खनिज। कितने भागों में बांटा गया? दो, ईंधन खनिज और अणु खनिज। अब ईंधन खनिज किसे कहते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। पहला ईंधन खनिज, तो इसकी सीधी सी परिभाषा याद रखना, ऐसे खनिज जो जीवाश्मों के अंशों के कारण उनका निर्माण हुआ है उसे जीवाश्म खनिज कहा या ईंधन खनिज कहा जाता है। ऐसे खनिज जो जीवाश्म के अंश के काम का निर्माण हुआ है उसे ईंधन खनिज कहते हैं। और यदि हम जीवाश्म शब्द की अर्थ देखते हैं, यदि पूछा जाए तो जीवाश्म का अर्थ होता है जीव प्लस अंश। क्या होता है? जीव प्लस अंश, मतलब जीव के जिसमें अंश पाए जाते हैं उस खनिज को जीवाश्म कहा जाता है। ऐसे खनिज जिसमें जीवों के अंश पाए जाते हैं उसे हम जीवाश्म खनिज के अंतर्गत लेते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस है। कौन कौन से उदाहरण हुए? कोयला, पेट्रोलियम। कौन सा? पेट्रोलियम और गैस, ये हमेशा ईंधन खनिज के क्या है? उदाहरण है जो अलग अलग रूपों में देखने को मिलते हैं। कोयला आपने देखा होगा तो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा कोयला का जो निष्कासन है वो चीन के अंदर होता है। कहाँ होता है?
चीन के अंदर होता है। और याद रखना बच्चों, कोयले के अलग अलग प्रकार की वैरायटी पाई जाती है। भारत के अंदर ये कोयला चार प्रकार के अंदर देखने को मिल जाता है, जैसे सबसे पहले एंथ्रेसाइट, उसके बाद लिंगनाइट, फिर बिटुमिनस और चौथा पीट। ये क्या है, कोयले के जो प्रकार हैं, जो अपनी कार्बन की मात्रा के आधार पर इसे अलग अलग भागों में बांटा गया। फिर पेट्रोलियम आपको पता ही है, जिसमें हाइड्रोकार्बन के अंश पाए जाते हैं, और जो गैस है जिसमें मीथेन की प्रधानता भी देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि घरों के अंदर एलपीजी गैस है और गाड़ियों के अंदर जो सीएनजी गैस है वो इसी के ही उदाहरण माने जाते हैं। अब हम अगला देते हैं, ऊर्जा खनिज का उदाहरण है अणु खनिज। क्या है अणु खनिज? तो अणु खनिज की सीधी सी परिभाषा, ऐसे खनिज जो रेडियो एक्टिव तत्वों के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं उसे हम अणु खनिज लेते हैं। जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, बेरिलियम है, इल्मेनाइट है, ये सब के सब किसके उदाहरण है बच्चों? अणु खनिज के क्या है, उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, इल्मेनाइट, इन्हीं के माध्यम से ही परमाणु ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? परमाणु ऊर्जा का जो निर्माण होता है। और आपको मालूम होना चाहिए, जितना एक किलो इन सभी तत्वों से जो ऊर्जा का निर्माण होता है, उतनी ही ऊर्जा का जो निर्माण है वो कई टन कोयले का हम जलाते हैं, उससे ऊर्जा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। और आपको एक बात मालूम होना चाहिए बच्चों कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो यूरेनियम का जो एक समझौता हुआ है, उसमें यूरेनियम का जो उपयोग है वो विद्युत उत्पादन के लिए किया गया है, ना कि उसे परमाणु हथियार बनाने या फिर किसी प्रकार के हथियार बनाने में यूरेनियम का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए ऑस्ट्रेलिया और भारत सरकार के बीच में एक ये समझौता हुआ है। तो आपने देखा बच्चों कि खनिज किसे कहते हैं, खनिज के प्रकार कितने हैं, धातु कितने हैं, अधातु कैसे है, इन सारे खनिजों के बारे में आपने विस्तार के साथ इसका अध्ययन किया है। अब आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको लिखा देता हूं कि भारत के अंदर लगभग धात्विक और अधात्विक खनिजों की संख्या या प्रकार, संख्या को या प्रकार को वो कितने हैं, 90 है। याद रखना, भारत के अंदर धात्विक खनिज हो या अधात्विक खनिज हो, जिसके अंदर जो खनिजों की संख्या या प्रकार है वो 90 प्रकार की है, जिसमें 52 है वो अधात्विक है। कैसा है, अधात्विक है, और 10 है वो क्या है, धात्विक है, और 23 है वो अन्य है। याद रखना, तो 52 अधात्विक, 10 धात्विक और 23 अन्य, इस प्रकार के जो खनिज है वो पाए जाते हैं। और यदि हम भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर, सवाल है बच्चों याद रखना, बहुत अच्छे सवाल है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है या जीडीपी है, क्या है, जीडीपी, तो भारत के जीडीपी के अंदर जो खनिजों का जो योगदान है वो कितना परसेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी सवाल के अनुरूप में पुटअप होते हैं। तो भारत के अंदर जो जीडीपी है उसके अंदर कितना योगदान है, 3.4%। भारत की जीडीपी में खनिजों का योगदान है वो 3.4% है। कितना है, 3.4% भारत के अंदर जीडीपी के अंदर खनिजों का योगदान है। अब जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद क्या है। तो याद रखना कि किसी देश की तीनों सेक्टरों
में उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी। किसी देश की तीनों सेक्टरों में उत्पादित वस्तु का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी। और तीनों सेक्टर कौन से हैं? प्राथमिक क्रिया, दूसरा द्वितीयक क्रिया, तीसरी तृतीयक क्रिया। याद रखना बच्चों, ये तीन सेक्टर हैं, इन तीनों के अंतिम मूल्य होता है उसी को हम क्या कहते हैं? जीडीपी। प्राथमिक क्रिया ऐसी क्रिया जिसमें प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का सीधे ही उपयोग में लिया जाता है उसे प्राथमिक क्रिया कहते हैं। द्वितीय क्रिया प्रकृति से जो प्राप्त पदार्थ होते हैं बच्चों उसको मशीनरी द्वारा रूप परिवर्तन करके मूल्यवान बना दे जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द्वितीय क्रिया। और सेवाओं से संबंधित क्रिया है और तृतीय क्रिया है। और यदि हम देखते हैं औद्योगिक उत्पादन में खनिजों का योगदान है वो लगभग 11% है। कितना प्रतिशत है? 11। याद रखना जीडीपी में योगदान खनिजों का 3.4% है और औद्योगिक उत्पादन के अंदर खनिजों का जो योगदान है वो कितना परसेंट है बच्चों? 11% है। अब हम भारत के अंदर उन खनिजों के बारे में पढ़ेंगे जो एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर और उद्योगों की आर्थिक नींव के रूप में उसको पहचाना जाता है। किसके रूप में? आर्थिक नींव के रूप में पहचाना जाता है। तो उसका जो अध्ययन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो जैसे लौह धात्विक खनिज है उसका हम विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर आपने खनिजों की जो महत्वपूर्ण जो प्रवृत्तियां और प्रकार हैं उनके बारे में आपने विश्लेषण के साथ अध्ययन इस वीडियो के अंदर किया। थैंक यू।